मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल शिवाय ब्लॉग्स। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपका भाई भी हमेशा की तरह कूल। सो गाइस, आज की वीडियो कुछ ना ही ब्लॉग होने वाली है और ना ही मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ। सो आज की वीडियो एकदम सिंपल रहने वाली है और टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो क्या होने वाली है। सो आज हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं अपनी हेलमेट को, जो हमने अभी थोड़े दिन पहले ही अमेजोन से ऑर्डर कराई थी। बिना किसी देरी के अनबॉक्स करते हैं इसे। सो पहले आपको एकदम पैकेजिंग वगैरह दिखा देते हैं कि हेलमेट की पैकेजिंग कैसी आई है और फिर आपको एंड में हेलमेट दिखाएंगे। सो बिना किसी देरी के आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो गाइस। सो गाइस, ये रहा हमारा पार्सल और ये है इग्नाइट की हेलमेट। ये मैंने जस्ट थोड़े दिन पहले ही अमेजोन से ऑर्डर कराई थी। भाई ने इसे ओपन किया था जस्ट टू चेकआउट की जो हेलमेट का कलर है वो एकदम प्रॉपर है या नहीं। सो मेरे से खुद वेट नहीं हो रहा है कि हेलमेट कैसी है बीच में रहने वाली। भाई बोलता भाई तू एक बार खुद से अनबॉक्सिंग वीडियो बनाना तभी देख लेना। सो चलो भाई इसे खोलते हैं फिर दिखाते हैं आपको हेलमेट कैसी है और अभी बीच में क्या क्या है इसके, ठीक है, सब कुछ आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। तो चलो गाइस, जैसे हम ये सील ओपन करते हैं तो उसके बीच में हमको एक और बॉक्स आ जाता है गाइस। तो ये रहता अपना लास्ट फाइनल बॉक्स, इसी के अंदर है अपनी हेलमेट। सो जल्दी से इसे भी ओपन करते हैं भाई, अकेले करना पड़ रहा है सब कुछ क्योंकि अपने से कोई नहीं है। सो ये ओपन करते हैं तो इसमें पड़ी अपनी हेलमेट, तो इसे भी पहले बाहर निकालते हैं। सो गाइस इसमें कुछ अपनी हेलमेट। सो गाइस अब नेक्स्ट है अपनी हेलमेट, इसी चीज़ में पैक हुई हुई है तो इसकी पैकेजिंग वगैरह भी देखेंगे कि भाई कैसी है और एकदम ऑनेस्ट रिव्यू बताऊंगा कि हेलमेट मुझे कैसी लगी, फिटिंग वगैरह सब कुछ दिखाऊंगा इस ब्लॉग में। सो सबसे पहले हेलमेट को बाहर निकालते हैं। पहले तो बाहर ही कुछ प्लास्टिक का कवर आ जाता है और उसके अंदर एक छोटा सा कंपनी का बैग है, इग्नाइट लिखा है इस पर और इसी में अपनी हेलमेट। सो इसे भी ओपन करते हैं जल्दी से, तो आपको एकदम एक बार ओपन करके सीधा आप हेलमेट ही दिखाते हैं गाइस। सो गाइस फाइनली अपनी ये रही हेलमेट और सबसे पहले हेलमेट के कलर की बात करते हैं। मैंने रेड कलर क्यों परचेज़ किया है? सो रेड कलर परचेज़ करने का ये आइडिया था कि मुझे अपनी बाइक के साथ ना थोड़ा कलर मैचिंग में लेना था, तो तभी मैंने ये रेड कलर ऑर्डर कराया था और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और नेक्स्ट अब इसकी बात करते हैं इसके ग्राफिक्स की। सो इस पर आप ग्राफिक्स देख सकते हो, बीच में नियॉन कलर के हैं और ये नियॉन इस रेड के साथ बहुत ही अच्छे से मैच कर रहा है। फिर आगे आपको फ्रंट में टीथ दिख जाएंगे और ये कोई मॉन्स्टर टीथ्स है भाई, ये भी एकदम अलग सा ही दिख रहे हैं कुछ। फिर उसके बाद हमको ये हम सामने वाइजर भी यूज़र इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल जाती है और ये मिलता है कि ये डॉट सर्टिफाइड है, मतलब कि इसने जितने भी जो सेफ्टी लेवल्स हैं वो सब मैच किए हुए हैं इस हेलमेट ने। और ये उसकी क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी की अगर बात की जाए तो बहुत ही हार्ड हेलमेट है और जो इसके अंदर पैडिंग की गई है भाई वो सबसे बेस्ट इसकी पैडिंग ही लगी है मुझे, क्योंकि इसकी पैडिंग भाई आपके फेस और आपके हेड को एकदम फुल कवर कर देगी ना, ऐसा लगेगा नहीं भाई ये हेलमेट लगेगा नहीं। और उसके बाद आपको ये कुछ पुस्तकें वगैरह मिल जाएंगी और साथ में आपको एक प्यारी सी इग्नाइट की चेन मिल जाएगी। सो ये सब भी कुछ है, वही वगैरह लिखा है इस पर, डॉट सर्टिफाइड इग्नाइट हेलमेट्स, बेटर हेलमेट्स है ना, प्रीमियम हेलमेट्स, ऐसा कुछ लिखा है। और होप करूँगा यार आपको ये कलर पसंद आया होगा। सो पहले थोड़ा बता ना जो इसके आगे ये लगा है, इसे उतारते हैं क्योंकि भाई अब जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। एक मिनट उतारते हैं इसे भाई, क्या बात है। सो यहाँ पे ना इसका लॉक भी दिया है, आप यहाँ से अपने वाइजर को ओपन कर सकते हो ऐसे करके, और इसके अंदर ग्लासेस भी हैं, ठीक है। और इसका एक लॉक ये दिया है, हम इसको ऐसे करके लॉक भी कर सकते हैं अपने वाइजर को, ये देखिए। हाई स्पीड में अगर बंदा है ना तो ये कर ले तो भाई एकदम मज़े से जाएगा। और इसके अंदर हमको ये ग्लासेस मिल जाती हैं अंदर, इन पे भी फिल्म चढ़ी है, ये उतारते हैं पहले। तो भाई अंदर से कुछ ऐसी देखने को मिल रही है। और ओवरऑल अगर हम हेलमेट की लुक की बात करें भाई, ये हेलमेट मुझे बहुत ही मस्त लगी। अब तो मुझे इसका फाइनल तो तभी पता चलेगा जब इसे मैं एक दो बार यूज़ करूँगा कि ये कैसी है एकदम, है ना, पता तभी चलेगा मुझे। और ये सामने आपको एक ये ग्लास मिल रहा है एकदम येलो कलर का भाई, ये भी एकदम सही है। तो भाई सो ये थी कुछ अपनी हेलमेट। सो होप करूँगा कि आपको भी हेलमेट पसंद आई होगी। और अब अपना हम ब्लॉग्स आने वाले क्योंकि मैं थोड़ा कंटिन्यू रहने वाला हूँ यूट्यूब पे। सो
आई होप कि आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट्स करके बता देना कि हेलमेट कैसी लगी। सो इसी तरह मिलते हैं आपको एक न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, पीस आउट गाइस, बाय बाय।